मेरी कोथड़ी क्यों नहीं आया करती। राम राम जी। सारा ना जी थाने दुरानी ब्लॉग चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई। दिन आज संडे का है, आज संडे का दिन है तो ब्लॉग कुछ स्पेशल बनाएगा आप सब समझ सको हो, क्योंकि आज बच्चे हैं घरा और पूरे एक हफ्ते की पढ़ाई के बाद एक के दिन मिला है नहीं जो एक कणकार मौज मस्ती कणकार मेरा दुखी कणका यो बना दो यो खवा दो, इनकी डिमांड आज के दिन कथी पूरी नहीं होया कर दी। तो ब्लॉग शुरू कर दिया, अभी नहा धो लिए हैं, काम सारा कर लिया है, मेरी अभी रोटी खानी रहती है, पिंकी ने भी नहीं खाई है, बच्चे बच्चा तक खवाई है, और उस खाने में हमने क्या बनाया है अभी मैं आप सबने दिखाऊंगी। ठीक है, आज ये बनाई हमने स्पेशल वाली लाल वाली चटनी, आज हमने ना बिना दही वाली बनाई है, हर बार दही वाली बनाते थे पर दही वाली में ना एक फॉल्ट हो जाए, जैसे इसने फ्रिज में रख दे तो अगले दिन ना दही वाली में मैक्सी हो जाए, क्योंकि शीत भाई दो दिन का दही नहीं खाया पिया जा करता, और अभी चमासे का सीजन इस वजह से भी। और तो हमने आज यह बनाई खाली पानी पानी थी, पीट पीट कर नमक मिर्च लहसुन सूखा धनिया सारा कुछ डाल कर पिंकी ने बनाई भी, उसकी मेहनत है ना, तो कुंडी में कूट कर इसके लिया सोटे के लिए पीटना वो ठंडा काम हो जाए पिंकी करा कर हमारा ये काम, तो बड़कन कति स्वाद आ गया, खाली रोटी साथ में होगी जिदा ही, क्योंकि आज के दिन सब्जी तो कति इग्नोर मारे हैं और यहाँ पे थोड़े से अमरूद रखे हैं भाई, थोड़े कड़े कड़े से हैं, और तेरे भूमि लाग रही है अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख है आजकल यार, रोटी खाए पीछे एक अमरूद खाओगी। और हमने इधर बना रखी है कुकर में ये भी सब्जी छोक गई है पिंकी, आलू मटर की सब्जी बनाई है भाई, आज हमारे घर कोई आने वाला है जिस काम कर रहे इंतजार, तो पिंकी देख लो एक बार उधर वेट कर लेना गिरी, हर काम कर लेना गिरी है, सारे घर की साफ सफाई भी सेटिंग तो करनी पड़ा है, तो इतने निहालेंगे मन लाग रोटी भी ना खाओ आज आए चल रहा है पिंकी दे कुकर पर दे लेना है, तू तो जमा पर्दे में लुक गया आज दिखती को ना मैंने तो बता दे आज कुकर बैठी तो उन्होंने इंतजार में हानू अडाले बिचौंदा सा भी लगता है अडाले अडाले हानू अडाले आज कोथड़ी आवा है मेहमान आओगे, देखते हैं कौन कौन आओगे, कौन कौन आओगे देखते हैं, ठीक है ना, दुखी हो जाए हमने भाई आड़ा बाद घनी अंडी चल रही है कभी सुथरे भी लागे वैसे ही है ना, और ये ना काए बाबू जी भाई मेरी जिठानी की कोथड़ी, क्योंकि कोथलिया का सीजन है सारे बना आज के दिन का इंतजार रहा है भाई, बहुत बड़ा अनुमान लो एक किस्म का बना खातर, तो जब उसके मायके वाले आवे ना बेटिया खातर तो वो किसी ओकेजन तक कम नहीं होता, इतना इंतजार हो इतनी खुश हो कि बहुत गणी उन्होंने कहा करे आए मायके का तो कुत्ता भी दिख जाना, तो इतनी मतलब लाड प्यार दिखा भी तो अपने घर के हैं भाई, वो कति सारे खुश हो रहे हैं, सारे कति इंतजार कर लग रहे हैं, और मैं देखो दो रोटी खा लूँ ना तो आगे तक खाई को ना जाएंगी, फिर थोड़े से धोंगे बर्तन तभी देखते हैं आप सब तो मिलवाना पॉसिबल हो पाओगा नहीं हो पाओगा, ठीक है बाकी फिर और थोड़ी देर बाद। और अब यहाँ पे ना सारे बैठे हैं देख लो, इधर यो भतीजा बैठा है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आपने दिख रहा होगा, यो भतीजी का छोटा भतीजी का बेटा भाई साथ में आ रहा है, और भाई उधर दूसरी साइड में बैठे हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भूमि तो क्या करना लुकमा से एक क्लिप निकलवाई थी, अभी आप सब ने यकीन हो जाएगा अभी कोई आ रहा है तो इनके सामने तो क्लिप बनाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि भैया इतने बड़े यूट्यूबर ना हुए हैं हमें बस सारे, तो भाई फिर थोड़ा ठीक सहन लगता, फिर वहाँ जितना पॉसिबल हो पाओगा उतना आप सबके साथ भी शेयर करेंगे दिखाऊंगे। और इधर मेरे जेठ जेठानी दोनों बैठे हैं और चीनू बैठा है साथ में, तो अभी चाय पानी पीने लग रहे हैं भाई, चाय पानी का ही टाइम लेकर आए हैं वो पिंकी अगले व्लॉग में दिखाऊंगी भाई आप सबके साथ शेयर करेगी, कति सारे खुश हो रहे हैं। और अभी मैं कर लग रही हूँ खाने की तैयारी, चाय चुई पी ली है सब ने, अभी तवा रख दिया है, आटा लगा दिया है और हलवा बना दिया था, हलवा सारा ने पहले खवा दिया है, कढ़ाई भी जा ली है सिंक में, बस बर्तन धोऊंगी फिर एक बार रोटी बना के खवा दी, सब्जी बना रखी है हलवा वाली, क्योंकि सब बहुत खुश होकर खाकर आज आलू मटर की सब्जी बना रखी हमने यार, ठीक है तो ये एक बार रोटी बना दो फटाफट बर्तन सारे बनाता भाई तो सब तो बताऊँ जो मान लो मेरी जिठानी की कोथले लेकर था भतीजा था और भाई आ रहा था और एक भतीजी का छोरा था छोटा सा, तो खा पी का सारे जा लिए हैं, कति बढ़िया टाइम पास होया, वे गए थे 2:30 बजे के आसपास, उसके बाद बालक खा पी का लौट भी लिए हैं देख लो, और कुछ परले कमरे में लौट रहे हैं 1:30 बजे, हाँ 2:45 बजे हमने 1 घंटा, उसके बाद तो हमने जाए पीछे सामान समुंदर है भाई, पिंकी ने रोटी खाई आज, मेरी जिठानी ने रोटी भी नहीं खाई थी, और भाई मेरी जिठानी की कोथली तो आ गई आज, और सामान इतना आया है जो मेरी जिठानी का भाई है ना मान लो मेरा भाई है, इतना सामान पहुँचाया रख सारा हमारा डबल डबल आया कर, 2 किलो आओगा तो सारा सामान 4 किलो आओगा, 4 किलो गेवर 4 किलो सारा सामान, क्यों आओ भाई वो बताऊँगी क्योंकि मेरी कोथली नहीं आया करती मेरी कोथली आके मैं सामान नहीं आया करता, मेरी कोथली आया कर ऑनलाइन,
क्योंकि मेरा भाई रहा है बॉम्बे, तो वो भी आके कुछ लिखो दे पाता, तो फिर ऑनलाइन पैसे डालते वह उन पैसे तो फिर भाई नो समान लिया खाया पहुँच जाता, तो मार तो एक के कोथली में इतना सामान आ जाए सारे खाओ पियो कि मोस्त रहो भाई, क्योंकि भाई सारा सब कुछ देखा जा भाई उसकी आदत है जब बार भी आओगे ना इतना सामान लेकर आओगा मतलब कति छकमा है भाई बालक है यार अच्छा बड़ी फैमिली भाई तो अरीब तौर भी ज्यादा चार चार किलो सामान आ रहा है हमारा आधा घंटा तो रसोई में चढ़ में लग गया सारा सामान, तो भाई बन तो सारी है दुआ करा करे हमारे भाई भतीजा की जिंदगी बनाए रखो भगवान खुशहाली रखो सुख शांति में फायदा हुआ है, तो बता दियो बेबे और बन किसकी को बेबे देख लो यहाँ पर ये फ्रिज की टोकरी में सेब डाल रहा है क्योंकि बारियाँ खराब हो जाएंगी तो एक दिन में तो खाई को ना जाऊँ, तो इब मैं अंदर जाकर रसोई में आप सबको दिखाऊंगी और क्या क्या सामान है देख लो इब मैं आप सबको दिखा दूँ आप सबको यकीन हो जाएगा भी कौन कौन आया था के लेकर आया, इसमें तो रखे हैं कीड़े इब कई दिन चलेंगे ना मान लो जूस जस पड़े जगह बड़ा खाए पिए जाएंगे, और पहले तीन दो पतीले हम रखे हैं खुर में जो मिट्टी मट्ठी होया करा ना, तो ये मिट्टी मट्ठी है खुर में जो भी तो मिट्टी मट्ठी नहीं है हमें पसंद नहीं है, तो पिंकी कई बार फोन पर कह जा रहा भाभी खुर में पचाइए क्योंकि खुर में बच्चे ना पसंद ज्यादा है, खुर में सारे रात जो खा लें भी सामान हो फिर मंगवाना चीज बागले कुछ है तो भी जो पसंद हो बाट खाना, इसमें भी है गेवरी हो देख लो आप सबने दिख रहा होगा तो कुछ ऐसा सामान नहीं हो क्योंकि मेरे इससे भाई जब लेकर आया कर तो जब ये कह जा रहा बेबे तुम दो बाणो इस वजह से चार बालक तो अच्छा मोकड़ा सामान लेकर आया कर, और इसमें रख दिया है ऊपर टंकी में पतासे क्योंकि वे नीचे नमी मान जाते हैं ना, तो और सेब आप सब तो दिखा दिए फ्रिज में तो भाई आप सब ने इब देख भी लिया होगा भाई ने रल मिल कर दिन कट दिया है जॉइंट फैमिली का ये सुख हो है कितना मजा आवा है जब कोई आवे है तो हलवा हलवा बना दिया था खा पी लिया था सब ने, तो भाई इबे दो मिनट बाद मिले बहुत सुतरे तरी अपना कोथली आ गई इंजॉय कर लिया सारे जा लिए है, तो वे कमेंट में कोई मत बूझियो बेबे तेरी कोथली क्यों नहीं आई क्योंकि हमारी है जॉइंट फैमिली तो सामान इतना आ गया इसमें हम मैनेज कर लेंगे, और भाई मेरी कोथली ऑनलाइन आवे एक बार फिर बताऊँ आप सब ने क्योंकि भाई वही बात है मेरा भाई ज्यादा दूर बैठा तो आ नहीं सकता तो फोन ना पे हम तो रक्षाबंधन होया जैसे भैया दूजे तो फोन पे हमें एक दूसरे से विश कर लिया अगर यो हमारा त्योहारा का काम है जब वो घर आवे तो हमने सारिया ने बुला ले है सारी बहन हम चार बहन है तो हम वहाँ पे मिलेंगे सारे इंजॉय करेंगे मिले फिटेंगे सारे, तो भाई घर पर अकेली मम्मी है वो नहीं आ पाती तो मम्मी का ठीक नहीं लगता, तो ठीक है तो लाइक शेयर कर दिया करो भाई कमेंट करके जरूर बता दियो भाई वीडियो कैसी लगी बता दियो सारे, और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लियो चैनल ने जो नए हो और वो घंटी का बटन दबा लियो ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहो, हमारी वीडियो कैसी लगी बता दियो, कल मिलेंगे सारा ठीक है जब तक राम राम।